सुमित, मुझे लग रहा है कि Q3 का जो अर्निंग सीजन शुरू होगा, इसमें मैं समझता हूँ कि लार्ज कैप आईटी में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ग्रोथ का है। अगर हम TCS या इंफोसिस या HCL टेक की बात करें तो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए, लेकिन ग्रोथ मिसिंग है। अभी भी यूरोप में ग्रोथ को लेकर थोड़े कंसर्न्स है। US मार्केट में थोड़ा सा इकोनॉमी में सुधार तो जरूर आया है, लेकिन जो ग्रोथ कमेंट्री आएगी वो इन स्टॉक्स को रीरेट करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और होपफुली जो मार्च क्वार्टर होगा, क्योंकि नॉर्मली दिसंबर क्वार्टर एक सॉफ्ट क्वार्टर माना जाता है, लेकिन जहां पे अच्छे नतीजे आएंगे वहां पे ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, रियल एस्टेट, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर्स हमको लग रहा है कि आपको पॉजिटिव सरप्राइजेस दिखाएंगे। मेरे ख्याल से आईटी और मेटल्स में थोड़ा बहुत अभी भी कंसर्न है। मेटल्स में तेजी जरूर आई है, लेकिन अभी भी ग्लोबली मेटल प्राइसेस में कोई बदलाव आया नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मोटा मोटी 70-80% रिजल्ट्स इनलाइन होंगे। जहां पे नेगेटिव सरप्राइजेस आएंगे वो मेटल और आईटी हो सकता है, और वो थोड़ा सा मार्केट्स को निराश कर सकते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जो FMCG वाले सेक्टर्स है, वहां पे हमको लग रहा है कि थोड़ी बहुत निराशा दिख सकती है, क्योंकि रूरल डिमांड अभी भी वीक है। तो FMCG के बास्केट में मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और रिजल्ट्स आने के बाद जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट्स की, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ब्रॉडली आई थिंक रिजल्ट्स विल बी बेटर देन Q2, और मुझे लगता है कि जो कमेंट्रीज आएगी वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को आगे रिवेट करेगी। देखिए, मिड कैप आईटी में हमको KPIT टेक्नोलॉजीज पसंद है। हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने बिजनेस अपडेट भी बहुत पॉजिटिव दिखाया था। हमको लग रहा है कि करंट प्राइस करीबन 1450 है। यहाँ पे आपको एक 1650 का एक नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। जो वर्टिकल्स में ये काम करते हैं अभी भी डिमांड काफी स्ट्रांग है। और दूसरे जो बड़े आईटी कंपनीज है, जहां पे हमको लगता है कि किसी को कॉन्ट्रा व्यू लेना है, तो हमको लगता है कि TCS 3800 में चल रहा है। करीबन 3900-950 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट आपको मिल सकता है, अगर कहीं ना कहीं कॉमेंट्री पॉजिटिव होती है। बट डेफिनेटली TCS और KPIT टेक्नोलॉजी, ये दो स्टॉक्स हमको लग रहा है कि आईटी स्पेस में अगर किसी को खरीदी करनी है तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड लंबे अवधि के लिए काफी अच्छा बैठ सकता है। सुमित, देखिए, हमको लग रहा है कि ऑटो स्पेस में दो सेक्टर्स जो काफी स्ट्रांग डिस्प्ले करेंगे ग्रोथ, वो तो एक तो कमर्शियल व्हीकल और टू व्हीलर्स है। कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ा सा बेस बड़ा बन गया है, तो थोड़ा सा ग्रोथ आपको दिसंबर में कम देखने को मिला, लेकिन हमको लग रहा है कि जैन टू मार्च का क्वार्टर जो होता है वो ओवरऑल ऑटो सेक्टर के लिए बहुत मजबूत क्वार्टर माना जाता है। अगर नतीजों की बात करें तो हमको लग रहा है कि दो स्टॉक्स जो हमको बहुत पसंद है, जो हमको लगता है कि अभी भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने का क्षमता रखते हैं, वो पहले तो टाटा मोटर्स रहेगा। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो बहुत ही तगड़े तरीके से बढ़ रहा है। इनकी पैसेंजर कार बिजनेस भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपने बात की, तो वहां पे भी इनका मार्केट शेयर काफी स्ट्रांग है। करीबन 40% मार्केट शेयर ये कमांड करते हैं। JLR का बिजनेस भी अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्लस कंपनी ने कहा है कि अभी वो ऑलरेडी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। तो मेरे ख्याल से इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो करीबन 875-880 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक जो टू व्हीलर स्पेस में बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है, वो TVS मोटर है। देखिए, दिसंबर के महीने में हमने देखा कि सारे टू व्हीलर कंपनीज ने थोड़े नरम नंबर दिखाए, लेकिन इनका वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तगड़ा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल के टू व्हीलर स्पेस में भी TVS मोटर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2300 का टारगेट प्राइस लेके इसको भी खरीदना चाहिए। Q3 के नंबर्स तो अच्छे आएंगे, बट आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो टाटा मोटर्स और TVS हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल, देखिए, कैपिटल गुड्स सेक्टर को अगर हम रेलवे और डिफेंस से जोड़ ले तो मुझे लग रहा है कि ग्रोथ कैपेक्स अभी बहुत ही बड़ी ट्रैक्शन में दिख रहा है। कॉर्पोरेट कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकार के इस तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हो, तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसका फायदा जरूर पूरे कैपिटल गुड सेक्टर में आपको थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात अभी एग्जीक्यूशन है, जो आपने सही कहा कि सारी कंपनीज कम से कम 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कमिंस इंडिया जो एनर्जी इक्विपमेंट स्पेस में है, ये एक बहुत ही अच्छा MNC काउंटर है। ऑलरेडी फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और इन्होंने हाइड्रोजन को लेके बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बुके भी बनाया। मेरा ख्याल है कि ऑर्डर बुक स्टेडी रहेगी, प्लस इलेक्शंस के बाद हाइड्रोजन की पॉलिसी अनाउंस होती है, तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ पोटेंशियल कमिंस के लिए मिलेगी। तो कमिंस हमको लग रहा है कि करीबन 23-23.50 का एक टारगेट प्राइस के लिए आप खरीद सकते हो, अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा L&T रहेगा। आपने सही कहा कि L&T डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स में, पावर इक्विपमेंट में काफी बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफी तेजी से हो रहा है, तो ऑलरेडी थोड़े समय L&T भाग चुका है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी पोजिशनिंग है, हमको लग रहा है कि अगले 12-18 महीने के लिए ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3650 का एक टारगेट प्राइस हम लगा दीजिए। और एक छोटी कंपनी है सुमित, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट।
जो मोबाइल क्रेन्स और डिफेंस के लिए यू नो इक्विपमेंट बनाती है, तो हमको लगता है कि देखिए ये भी स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले दो तीन क्वार्टर से बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको दिख रहा है, बहुत मटेरियल इक्विपमेंट में, क्रेन्स में, ऑब्वियसली ट्रैक्टर भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर 12 टू 15 मंथ्स का नजरिया आप लेते हो तो यहाँ पे भी 1050-1100 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। तो हमारी तरफ से ये दो तीन स्टॉक्स है जो अभी भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को अगले 12-15 महीने में दे सकते हैं। बिल्कुल देखिए हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टील के जो प्राइसेस है वो पूरी तरह से बॉटम आउट हो गए हैं और डोमेस्टिक मार्केट में तो कई कैटेगरीज में तो यू नो स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव सरप्राइज आपको अर्निंग्स में देखने को मिले, लेकिन ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक रवैया आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि दो तीन कंपनीज काफी अट्रैक्टिव है, टाटा स्टील हमको लग रहा है 130-134 में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, काफी हद तक लीवरेज बैलेंस शीट पे भी काफी इन्होंने कम किया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 155-160 का एक टारगेट प्राइस लेके नॉट ओनली रिजल्ट्स लेकिन अगले साल का व्यू लेके आप काम कर सकते हो। NMDC ने अभी हाल ही में इनका बिजनेस अपडेट दिया था, प्रोडक्शन आयन और वॉल्यूम का काफी स्ट्रांगली बढ़ा है, आयन और के प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि करीबन 270-275 का एक मीडियम टर्म प्राइस टारगेट मिल सकता है। और एक स्टॉक सुमित जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिंदाल स्टेनलेस, इनके Q2 के नंबर्स भी बहुत अच्छे थे, स्टेनलेस स्टील में ये काफी डोमिनेंट प्लेयर है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक छोटी खरीदी की सकती है क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है और यहाँ पे इनको प्राइसेस भी अच्छे मिल रहे हैं। तो करीबन 725-730 का टारगेट प्राइस लेके जिंदाल स्टेनलेस में भी एक पोजीशन बना सकते हैं। तो मेटल सेक्टर में आपको शायद अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिले, लेकिन बड़ी इंप्रूवमेंट आपको चौथे तिमाही में और अगले साल होपफुली देखने को मिलेगी।